एकल की गंगोत्री धनबाद ही है। एकल का अभियान जो शुरू हुआ था वो धनबाद के ही गांव से शुरू हुआ था, और धनबाद की मिट्टी में कुछ खास है। किसान हत्या से लेकर किसान के लिए जो भी साधन हो सकता है हम सबको दूर करना है, उसमें जो भी किसान को कोई, किसान ही भारत का सबसे बड़ा एक भविष्य है। हमारा आज एसेट्स जिसको हम बोलते हैं, हमारा जो सबसे बड़ा ताकत है वो किसान है। आज पूरे भारत से जो हमारे खेती का जो सब खेती का जो भी हमारा प्रोडक्ट्स है आज पूरे विदेश विदेश में जाता है। गौग्राम योजना को धनबाद में सफल बनाने के लिए कई प्रमुख लोगों का हाथ है, ऐसे में केंद्रीय चैप्टर के जो सचिव हैं वो नितिन जी हमारे साथ हैं। कुछ दिन पहले एक विचार आया जिसके बाद गौग्राम योजना आई, उसके बाद इतना विस्तार हुआ कि आज गौग्राम कुंभ किया जा रहा है। क्या लगता है कि कितना काम पूरा हो गया और कितना काम बाकी है? अभी पिछले वर्ष से ही हम लोगों ने इस पर प्रयोग शुरू किया था कि आज जो गाय तस्करी का मामला हो या गाय को इधर से उधर, जो आज गौशालाओं पर भी जो बोझ पड़ रहा है, गायों की संख्या बढ़ते जा रही है, उसको आखिर कैसे हम लोग देश में किसान तक वापस से गाय को पहुंचाएं, इसी प्रयोग में जब हम लोगों ने किसान के घर में गायों को देना शुरू किया और स्वावलंबी योजना के तहत में, जिससे कि किसान को गाय, जिस आखिर गाय गांव से ही गाय जा रही है गौशाला तक और गौशाला से ही कहीं ना कहीं गायों पर एक जो गाय को एक पूरा माहौल मिलना चाहिए, घास भोजन और गाय का घर किसान का घर होता है, हाँ उसी पर ही, मतलब आज अगर उसका दूध भी अगर शुद्धता देखिए तो वो उसी पे मिलेगा। तो इसीलिए मतलब गाय का जो आज संरक्षण है, गाय है बैल है, आज बैल का प्रयोग पूरा गांव किसान गांव खेत में बंद ही हो गया एक तरह से। आप श्री हरि के सचिव हैं और ऐसे में श्री जो गौग्राम योजना है वो श्री हरि के अधीन ही आता है, और धनबाद में ऐसा हो रहा है जिस चैप्टर के आप सचिव हैं, तो कितना आपको अच्छा फील हो रहा है कि ये योजना जो इतनी महत्वाकांक्षी योजना आगे परिवर्तन लाने वाली है जैविक खेती के रूप में या किसान के घर को, तो उसका जो कुंभ हो रहा है वो हमारे ही धनबाद में हो रहा है, तो किस तरीके से अलग आप करना चाह रहे हैं इस कुंभ को? इसके पीछे बहुत पुराना हमारा एक राज है कि एकल की गंगोत्री धनबाद ही है। एकल का अभियान जो शुरू हुआ था वो धनबाद के ही गाँव से शुरू हुआ था, और धनबाद की मिट्टी में कुछ खास है। आप बड़े से बड़े कार्यक्रम धनबाद में ही सफल किए जाते हैं, और इसका प्रयोग भी धनबाद के ही दो गांव से शुरू किया गया था। एक प्रयोग अब हो रहा है और एक प्रयोग अब, इस प्रयोग का हम लोग एक सफल प्रयोग कुछ करीब 30 साल पहले हुआ तो 1 लाख तक पहुंच गया, विद्यालय पहुंचा, और अब फिर प्रयोग हो रहा है वापस से। अब ये 2000 की संख्या है, अब 2000 की संख्या को हम लोग वापस से 1 लाख गांव तक पहुंचाएंगे। तो यह जो हमारा मतलब लक्ष्य है, हम सिलाई केंद्र के माध्यम से हम अपने स्वावलंबी योजना में दिया जो हमारा बनाया जाता है, तो जिससे अर्थ का भी एक सहयोग किसानों तक जाए। आज किसान हत्या से लेकर किसान के लिए जो भी साधन हो सकता है हम सबको दूर करना है, उसमें जो भी किसान को कोई, किसान ही भारत का सबसे बड़ा एक भविष्य है। हमारा आज एसेट्स जिसको हम बोलते हैं, हमारा जो सबसे बड़ा ताकत है वो किसान है। आज पूरे भारत से जो हमारे खेती का जो सब खेती का जो भी हमारा प्रोडक्ट्स है आज पूरे विदेश विदेश में जाता है। विदेश में वो साधन नहीं है, उसके पीछे राज क्या है, हमारी मिट्टी, हमारी जो ताकत है वो हमारा यहाँ पर एक सबसे बड़ा ये है। तो ये थे नितिन जी जो बता रहे हैं कि धनबाद की जो धरती है वो इतिहास रचती है। पिछली बार जो इतिहास रचा जिसका जिक्र खुद प्रधानमंत्री ने किया, इस बार देखिए कौन सा इतिहास रचा जाता है, जल्द ही पता चलेगा। कमल प्रश्न विश्वजीत के साथ में विजय तिवारी, एकल भारत धनबाद।